Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in today's lecture, we will continue our second chapter of Hornbill. And second chapter name is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. इस चैप्टर की हाफ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. इसके कैरेक्टर्स मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि कैरेक्टर्स कौन कौन हैं. इसमें है नैरेटर, नैरेटर्स वाइफ, सन, जोनाथन, लविंगली कॉल्ड जॉन, सुजैन मींस स्यू एंड टू क्रूमैन, लैरी विगिल एंड सेकंड वन इज स्विस हब सेगलर. क्लियर? अब हमने जो कल जहाँ पे चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि वो उनकी जो बोट है वेवाकर जिसमें वो सी जर्नी के लिए जा रहे थे वो बोट है वैसे तो बहुत अच्छे से बनाया गया था, वो प्रोफेशनली बिल्ट था. उसके बाद भी जब उन्हें स्टॉर्म्स को फेस करना पड़ता है तो उस बोट में पानी भर जाता है और नरेटर है वो उसकी थोड़ी बहुत रिपेयर कर देता है. अब इससे आगे है कि सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स कि किसी तरीके से जो नरेटर है वो जो गैप होता है मींस जो होल होते हैं बोट में उनको कवर कर देता है मींस वो कुछ रिपेयर करता है उनकी. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो लेकिन कुछ पानी है वो अभी लगातार आ रहा है. बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड लेकिन जो लगभग पानी है अब वो साइड से ही रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉकअप. ब्लॉकअप मीन्स गोट स्टक विद द डेब्रिस. डेब्रिस होता है मलबा कि जो मलबा था और डेब्रिस की वजह से उनके जो हैडपम्प है वो खराब हो गए थे. फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट उनके इलेक्ट्रिक पंप थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए. द वॉटर लेवल रोज थ्रेटनिंग और जो पानी का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था. बैक ऑन द डेक अब नैरेटर वापस डेक पे आता है. आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड रेंज्ड मीन्स ट्विस्टेड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोरस्टे. फोरस्टे मीन्स द फ्रंट बिग सेल द जिब द डिगीज एंड द मेन एंकर कि जब वो आके देखता है तो उसने देखा कि उनके पास दो एक्स्ट्रा हैडपम्प थे किसके साथ आगे के पाल के साथ एक छोटा पाल था डिग्गी थी और मेन एंकर था. एंकर मीन्स लंगर. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. अब उसे याद आता है कि जो चार्ट रूम है उसमें नीचे एक और स्पेयर में इलेक्ट्रिक हैडपम्प है. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप वो उसको आउट पाइप से कनेक्ट करता है. एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड और वो काम कर जाता है. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग उनकी जो नाइट है वो कैसे स्पेंड करते हैं वो कंटिन्यूस पंपिंग करके करते हैं स्टीरिंग करके एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो पे काम करके वो अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं मीन्स वो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाते. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स मीन्स SOS सिग्नल फॉर हेल्प जो हेल्प के लिए SOS सिग्नल दिए जाते हैं दैट आर कॉल्ड मेडे कॉल्स. उनकी मेडे कॉल्स की कोई रिप्लाइज नहीं आ रही थी. क्यों नहीं आ रही थी? Which was not surprising in this remote corner of the world. Remote means distant. क्योंकि वो वर्ल्ड के बहुत ही दूर किसी कॉर्नर में थे वहाँ पे मेडे कॉल्स का रिप्लाई उन्हें नहीं मिल पा रहा था और इस बात में वो सरप्राइजिंग थिंग नहीं थी. Sue's head swollen alarmingly. जो Sue जो कि नैरेटर की डॉटर होती है उसके हेड पे जो लगी थी वहाँ पे स्वेलिंग आ चुकी है. सी हैड टू enormous ब्लैक आईज अब उसकी आईज बिल्कुल ब्लैक हो गई है मीन्स वहाँ पे सूजन आ गया है. एंड नाउ सी showed us a deep cut on her arm और अब वो अपनी आर्म पे एक डीप कट दिखाती है लगे हुए का निशान दिखाती है.
When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, और जब नेटर ये पूछता है कि इससे पहले उसने इनको अपने इंजरीज क्यों नहीं दिखाई, तो वो डॉटर क्या कहती हैं, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all, क्योंकि जिस टाइम पे आप हम सबको बचाने में बिजी थे उस टाइम पे मैं आपको अपनी जो लगे हुए का निशान है वो दिखा के आपको वरी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए शिव ने उसको पहले नहीं बताया और ना ही दिखाया। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जैन को क्या होता है, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, रोटेशन मीन्स टर्न बाय टर्न, और जनवरी 3 को वाटर लेवल है वो इतना सफिशियंट हो गया कि वो सारे टर्न बाय टर्न 2 आवर्स का रेस्ट ले सकते हैं। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमडस लीक, ट्रेमडस मीन्स ग्रेट लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, कील मीन्स बॉटम, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी बहुत बड़ा लीक था। और जब नेटर चेक करता है तो देखता है कि जो बोट है उसकी जो मेन फ्रेम है बॉटम तक बोट बिल्कुल हिल चुका है और हिलने से जो गैप बना है उसमें से पानी अंदर आ रहा है। इन फैक्ट देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए वॉल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, और पूरे बहुत बड़े उस पार्ट में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, मीन सारा है वो हिल चुका था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, वेव के हिट करने के बाद वो 15 आवर्स तक सही रहे, बट देवाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उनका बोट वेवाकर है वो ऑस्ट्रेलिया तक उनको नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो बहुत डैमेज हो चुका है। आई चेकड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट दे वर टू स्मॉल आइलैंड्स, अब जो नाइटर है वो अपनी चार्ट ओपन करता है और वो देखता है कैलकुलेट करता है कि सी में 2 आइलैंड्स थे ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, और वो कुछ 100 के डिस्टेंस पे थे ईस्ट डायरेक्शन में, वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम, वो जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस वहाँ पे फ्रेंच साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे उसको फ्रेंच साइंटिफिक बेस बोला गया है आइल एम्स्टर्डम आइलैंड को। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, और उनकी जो ओनली होप है वो क्या है कि इतना बड़ा जो वास्ट ओशियन है उसमें उन्हें थोड़ी सी जगह मिल जाए, उन्हें वो आइलैंड कहीं दिखाई दे जाए, यही उनकी होप है क्योंकि उनका जो बोट है वो बिल्कुल वो लगभग डैमेज हो चुका है, उन्हें लगता है कि अब ये शायद और अधिक काम नहीं कर पाएगा। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, अबेटेड मीन्स बिकम लेस फ्लोइंग, सो वी कुड होइस्ट सेल आवर चांसेस वुड बी स्लिम, स्लिम मीन्स लेस, इंडीड इंडीड मीन्स रियल, और जब तक कि जो वेव्स हैं वो जो हवाएं हैं वो कम नहीं हो सकती नहीं होती तब तक वो अपने पाल को भी स्प्रेड नहीं कर सकते। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मीन्स एडिशनल इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो ग्रेट वेव्स थी उसकी वजह से उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी खराब हो गया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, जनवरी 4 को उन्हें 36 आवर्स हो गए हैं वो कंटिन्यू पंपिंग कर रहे हैं क्योंकि पानी उनकी बोट के अंदर जा रहा है तो वो पंपिंग करके उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब कुछ सेंटीमीटर ही पानी बचा है उनकी बोट में, बाकी उन्होंने पंपिंग करके बाहर निकाल दिया है। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब उन्हें वही पानी बाहर निकालना है जो उनकी सिप में अंदर आ रहा है, जो पहले का था उनको वो निकाल चुके हैं। वी कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, वो अपने मेन मास्ट पे कोई भी सेल है वो होइस्ट नहीं कर सकते।
प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स द रोप दैट द बैलेंस, द रोप दैट बैलेंस द मास्ट, जो रस्सी मास्ट को बैलेंस करके रखती है उसको हम बोलते हैं रिगिंग. वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. सो वी होइस्ट द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. अब वो क्या करते हैं, दो उन्होंने जो दो आइलैंड देखे थे, कैलकुलेट किए थे चार्ट पे, उनको उनकी सर्च में वो आगे चल देते हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, बीफ मीन्स मांस. मैरी को कुछ कॉर्न, कॉर्न मीन्स मक्का लगा हुआ, बीफ मिलता है. एंड क्रैकर बिस्किट, क्रैकर मीन्स करारे, बिस्किट मिलते हैं. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट टू डेज, और वो दो दिन में अपना पहला मील खाते हैं, क्योंकि वो लगातार पंपिंग में बिजी थे इसलिए वो खाना नहीं खा पाते. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका जो रेस्ट था ये कुछ टाइम के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, दोबारा से जो ब्लैक क्लाउड थे वो उनके पीछे बनने शुरू हो गए. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो हवा थी उसकी गति क्या थी, 40 knots थी. द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियट, डेट्रियट मीन्स बिकम वर्स, और जो वेदर है वो फिर से बेकार हो गया. थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, और 5 January को उनकी जो सिचुएशन होती है वो फिर से होपलेस होती है. When I went in to comfort the children, when I went in to comfort the children, John asked. अब वो बच्चों के comfort zone में जाता है, वहाँ पे John कहता है, Daddy, are we going to die? क्या हम मरने वाले हैं? I tried to assure him that We could make it. अब नेटर उसको ये बात श्योर करवाना चाहता है, उसको कंसोल करना चाहता है कि हम इसको झेल जाएंगे. अब जहाँ पे जॉन ने ये बोला है कि आर वी गोइंग टू डाई, तो ये हमारे चैप्टर का टाइटल भी है. तो जो हमारे चैप्टर का टाइटल है वो स्टेटमेंट किसकी है, सन ऑफ नरेटर. बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अब साथ साथ वो कंटिन्यू करता है जॉन कि यदि हम सारे एक साथ हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते. अब सारे कौन कौन, यू एंड मम्मी, शू एंड आई. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पोंड बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग. अब उसके पास कोई ऐसे वर्ड नहीं है कि उस बच्चे को सामने बोल सके, उस बच्चे ने इतनी बड़ी बात बोली है. यहाँ पे उसका ब्रेव पॉइंट है वो शो हो रहा है कि ऐसी वर्स कंडीशन में भी बच्चा ये कह रहा है कि हम मरने से भी नहीं डरते. अब नेटर है वो इस बात को डिसाइड करके वहाँ से निकल लेता है कि उसके पास जो कुछ भी है उसी की हेल्प से वो फाइट करेगा. टू प्रोटेक्ट द वीक एंड स्टारबोर्ड साइड, अपने वीक पार्ट को बचाने के लिए I decided to have to with the undamaged. Undamaged means safe. Port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22 liter plastic barrel of paraffin. यहाँ पे नेटर क्या करता है कि heavy nylon rope का जो anchor है उसकी help से और 22 liter प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, इनकी हेल्प से वो रिपेयर करने की कोशिश करता है, वो वेव से फाइट करने की कोशिश करता है. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वॉटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. प्लैंक्स मीन्स लॉग्स ऑफ वुड, मीन्स तख्ते. अब उस दिन शाम को मैरी और नरेटर वो दोनों आपस में हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं क्योंकि पानी है वो काफ़ी अंदर आ चुका था. वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और दोनों इस बात को रियलाइज करते हैं कि उनका एंड है बहुत ही नज़दीक है.
बट विवाकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन विवाकर है वो स्टॉर्म में से गुजरा, उसने स्टॉर्म को झेला। एंड बाई मॉर्निंग ऑफ January 6, January 6 को क्या होता है, January 5 को उनकी कंडीशन है वो डेस्परेट थी, 4 को इवनिंग को उनकी कंडीशन है वो वर्स होनी फिर से स्टार्ट हो गई थी। अब January 6 चल रही है, 6 को क्या होता है, विद द विंड ईजिंग, हवा कुछ कम होती है, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, सेक्सटेंट होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंस। अब वो सेक्सटेंट पे देखता है, बैक इन द चार्ट रूम, फिर वापस वो चार्ट रूम में आता है, आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, वो जो हवाओं की गति होती है उन पे काम करता है, उनको देखता है, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स फ्लो, एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन, और वो इन सबको कैलकुलेट करके ये आइडिया लगाता है कि उनकी करंट पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और उन्हें इतना ही पता चल सका कि वो 150,000 वाइड चौड़े ओशियन में क्या कर रहे हैं, एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को सर्च कर रहे हैं, इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं चल सका। व्हाइल आई वाज थिंकिंग शू मूविंग पेनफुली जॉइंड मी, जब वो ये सब सोच रहा होता है तो शूज के पास आती है, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन, उसका जो लेफ्ट साइड है वहाँ बहुत स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरो टू स्लिट, स्लिट मीन्स लॉन्ग नैरो कट, सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, अब शू उसको एक कार्ड देती है नाइटर को, ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रोन कैरिकेचर्स ऑन मैरी एंड मी, अब उस कार्ड के फ्रंट में उसने दो कैरिकेचर्स ड्रो किए हुए थे, वन ऑफ नाइटर एंड सेकेंड वन इज हिज हर मदर, और कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे उस पर, वर्ड्स थे हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल हैं, डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने आपको हंसाया, आई लाफ्ड अ लॉट, मुझे तो बहुत हंसाया, इनसाइड वो जो मैसेज, और अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था उस कार्ड में, ओ हाई आई लव यू बोथ, कि मैं तुम दोनों को बहुत लव करती हूँ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम इस कंडीशन को कवर कर जाएंगे, हम इसको झेल जाएंगे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, वो फिर से बार बार कैलकुलेट करता है, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, उनका मेन कंपास है वो लॉस्ट हो चुका है, एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, वो एक और यूज कंपास यूज कर रहा है जिसमें मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं है, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, और इसके साथ ही जो पश्चिमी हवाएं होती हैं, जो वेस्टर्न करंट होता है उनके बारे में इसकी हेल्प से उसने आइडिया लगाया। अबाउट 2 PM, 2 PM को आई वेंट ऑन डेक, नेटर डेक पे वापस आता है, एंड लैरी टू स्टीयर एंड आस्क लैरी, लैरी कौन थी, क्र्यूमैन, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 degree, और लैरी से कहता है कि वो बोट को 185 पे चलाए, 185 degree के कोर्स पे चलाए, इफ वी वर लकी, यदि हम लकी हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स विद फर्म बिलीफ, आई डिडेंट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हम 5 PM से पहले एक आईलैंड पे होंगे, देन विद ए हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर वो नीचे आ गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपनी बर्थ पे चला गया, एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, वहीं पे वो सो गया, आई वॉक इट वॉज 6 PM, और जब वो उठता है तो 6 PM का टाइम होता है, एंड ग्रोइंग डार्क, अब वो देखता है कि अंधेरा हो गया है क्योंकि 6 बज चुके हैं,
आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आईलैंड. और नैटर को लगता है कि उन्हें आईलैंड को मिस कर दिया है. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स. और वो नहीं चाहता कि वो दोबारा से वापिस उन्हीं वेस्टर्ली विंड्स में जाए. एट दैट मोमेंट एट टाउजल्ट टाउजल्ट हैड मीन्स बिल्कुल ही डिसऑर्डर्ड हेड वाला की बाल है बिल्कुल डिसऑर्डर्ड थे, अस्त व्यस्त थे. एक ऐसा बच्चा आता है जिसके बाल है वो डिसऑर्डर्ड थे. अपीयर्ड बाई माई बंक वो उसकी बर्थ के पास आता है. कैन आई हैव ए हग वो और कोई और नहीं उसका सन होता है वो ये कहता है कैन आई हैव ए हग कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ. जोनाथन आस्क्ड शू वॉज राइट बिहाइंड हिम शू उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग टू हग नाउ आई आस्क्ड कि इस टाइम पे अब गले क्यों मिलना चाहते हो. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड क्योंकि तुम वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो. एंड द बेस्ट कैप्टन माई सन रिप्लाइड नोट टूडे जोन आई एम अफ्रेड. लेकिन नेट को लगता है कि जो आईलैंड है वो मिस हो गया है वो थोड़ा डरा हुआ है तो वो कहता है कि आज नहीं. Why you must be said you in a matter of fact voice you found the island तुमने आइलैंड को ढूंढ लिया है तो तुम डेफिनेटली वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो. What I shouted it's out there in front of us they chorused chorus means spoke in group वो दोनों एक साथ बोलते हैं. As big as a battleship और वो जो आइलैंड उन्होंने सर्च किया है वो इतना बड़ा है जितना कि कोई बैटल शिप होता है. बैटल शिप मीन्स युद्धपोत. आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम. वो फटाफट से दौड़ के जाता है और देखता है कि बाहर आइलैंड है. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वेल्कोनिक रॉक ये वेल्कोनिक रॉक का एक पार्ट है. विद लिटिल वेजिटेशन वहाँ पे कुछ ट्रीज और प्लांट्स हैं. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड है. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स मीन्स रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर. और वो रात को क्या करते हैं कि जो कोस्ट है जो तट है उससे दूर है वो अपने लंगर डाल लेते हैं और मॉर्निंग में उस आइलैंड के 28 इनहेबिटेंट है उनका वेलकम करने आते हैं उनकी हेल्प के लिए आते हैं. विद लैंड अंडर माई फिट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब्स. अब दोबारा से नेटर के पैरों के नीचे लैंड है तो अब वो सबसे पहले लैरी और हर्ब के बारे में सोचता है. लैरी और हर्ब ये दोनों क्रीमैन हैं इनके बारे में क्या सोचता है कि चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डारेस्ट स्ट्रेस कि इतना स्ट्रेस था इतना पेन था उसके बाद भी दोनों ही बहुत ही चीयरफुल भी रहे और बहुत ही होपफुल भी रहे. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल एंड ऑफ मैरी और फिर वो मैरी के बारे में सोचता है. हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स जो डिफिकल्ट टाइम में व्हील को पकड़े रखती है और अपनी जान बचाती है तो मैरी के बारे में सोचता है. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7 years old girl और सबसे ज़्यादा वो 7 years old girl के बारे में सोचता है. हु डिडंट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी जिसके सिर में लगने के बाद भी वो उनको परेशान नहीं करना चाहती. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल और उसको ठीक करने के लिए उसके सिर को ठीक करने के लिए उसके 6 minor operations करने पड़े थे. एंड ऑफ ए 6 years old boy हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई और फिर लास्ट में वो 6 years old boy के बारे में सोचता है. जोनाथन के बारे में सोचता है जो मरने से भी नहीं डरता जो क्रूशियल टाइम पे भी ये कहता है कि हम सारे साथ हैं तो मरने से भी नहीं डरते. और इस तरीके से बच्चों आपका चैप्टर है वो ओवर होता है. तो बच्चों इस चैप्टर को रीड करके देखना है कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो.